फ्रेंड्स, जापान दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे छोटा कंट्री है, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा कंट्री है और ये तरक्की में भी दूसरे मुल्कों से बहुत आगे हैं। जापान की बनाई हुई चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में बहुत पसंद की जाती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती हैं। अम्ब्रेला। फ्रेंड्स, अम्ब्रेला का यूज़ जापानी लोग धूप से बचने के लिए और वेदर की कंडीशन को देखते हुए करते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि जापान की अम्ब्रेला दूसरे कंट्री से भी अनोखी ही है? जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए जापान की अम्ब्रेला, सुपर अम्ब्रेला इसे बोलते हैं, सुपर अम्ब्रेला। जापानी लोग सुपर अम्ब्रेला यूज़ करते हैं जो आपकी फुल बॉडी को कवर करती है और भीगने से बचाती है। क्या वाकई ही बहुत यूनिक आइडिया है? क्या आपने ऐसी अम्ब्रेला किसी और कंट्री में देखी है? फ्रेंड्स, जापान का टीचिंग सिस्टम भी दुनिया भर से अलग है। यहाँ पे भी जापानी लोग सबसे बाजी ले गए हैं। वो बच्चों को ईटिंग मैनर सिखाने के साथ साथ अपने सोसाइटी को और अपने स्कूल को साफ़ रखने के तरीके भी बताते हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज़ में स्कूल को साफ़ रखने के लिए स्टाफ भर्ती किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जापानी लोग दूसरे कंट्री से थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा अलग हैं। वो छोटे बच्चों में सफाई की सेंस पैदा करते हैं और इनके बच्चे भी दुनिया भर से यूनिक बच्चे हैं जो अपने स्कूल को भी साफ़ रखने में एक दूसरे से कंपटीशन लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी आदत है जापानी लोगों की कि बच्चे अपना स्कूल खुद साफ़ करते हैं। ये रियली यूनिक और वंडरफुल मैनर्स हैं जो जापानी स्कूल सिखा रहे हैं। इस तरह इनकी सोसाइटी भी साफ़ रहती है और इसका व्यू आप ये देख सकते हैं कि इनकी ड्रेन्स तक इतनी नीट और क्लीन है। कोका कोला, मेरी और आप सबकी फेवरेट ड्रिंक कोका कोला। फ्रेंड्स, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक कोका कोला, लेकिन क्या करें, जापान यहाँ पे भी दुनिया भर से अनोखा ही है। जापान में दूसरे जूसेस और ड्रिंक्स के अलावा यहाँ पे आपको मिलेगी एक अनोखी कोका कोला। तो चले देखते हैं कि जापानी लोग कोका कोला कौन सी पीते हैं। फ्रेंड्स, जापानी लोगों के लिए कोका कोला ब्रांड ने इंट्रोड्यूस करवाई है वाइट कोका कोला, यानी ट्रांसपेरेंट क्लियर कोका कोला। जापानी यहाँ पे भी दुनिया से बाजी ले गए हैं, देख के मज़ा आया ना। अब जो चीज़ आप देखने के लिए जा रहे हैं ये वाकई यूनिक है। जी हाँ फ्रेंड्स, जापानी लोग बहुत ज़्यादा मैनर होते हैं, हर चीज़ को इतने ऑर्डर में रखते हैं, चाहे वो किचन हो, कैबिनेट हो या उनके मेडिसन हो। देखें जापानी लोगों की मेडिसिन वाटर बॉटल, जिसमें आपको मेडिसिन के साथ साथ वाटर की भी फैसिलिटी दी गई है। इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। चलें फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा सा और हैरान करते हैं और चलते हैं वेंडिंग मशीन की तरफ। फ्रेंड्स, दूसरे कंट्रीज़ में जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं वो सिर्फ जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जापान के वेंडिंग मशीन आपको आइस भी प्रोवाइड करेगी। पहले आपको एक बैग देती है, बैग को अब जब आप ले लेते हैं तो उसके बाद ये आपको आइस निकाल के देती है। कैसा लगा फ्रेंड्स जापान का ये ट्रिक? फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की हिफाजत के लिए बैक कवर यूज़ करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन प्रोटेक्टर, लेकिन जापानी लोगों का ये आइडिया भी दुनिया से यूनिक है। तो देखिए जापानी लोग किस तरह से अपने मोबाइल की प्रोटेक्शन करते हैं। ये एक ऐसा कवर है, वाटरप्रूफ है और अनब्रेकेबल है, ये बहुत यूनिक है। फ्रेंड्स, जापानी लोगों ने अपने लोगों के लिए ऐसे शूज़ निकाले हैं जिन्हें पहनकर आप अच्छे से जंप कर सकते हैं। ये एथलेटिक्स के लिए होते हैं, ये ऐसे यूनिक शूज़ हैं कि इसे पहनकर आप बहुत अच्छे से जंप कर सकते हैं। तो चलिए अब कार पार्किंग का भी आइडिया देख लेते हैं, जापानियों से सीख लेते हैं। ये है दूसरे कंट्री की कार पार्किंग, लेकिन जापान चूँकि बहुत छोटा है और वहाँ पर जगह भी बहुत कम है, तो जापानियों ने एक कार पार्किंग के लिए भी एक न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ पे कार पार्क कुछ इस तरह से की जाती है।
फ्रेंड्स, जापान में चूँकि स्पेस इतनी नहीं होती, जगह कम होती है, वो काश्तकारी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को दूसरे कंट्रीज़ के भरोसे पे नहीं छोड़ा, बल्कि वो करते हैं वर्टिकल फार्मिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे फार्म बनाए गए हैं जहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं। ये एक 3D सिस्टम है और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा हाइजेनिक सिस्टम है। इस तरह से वो अपने कंट्री की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और लोग रोज़गार हासिल करते हैं। तो कैसी लगी आज आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।